मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3D सबट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 1, सबट्रैक्ट एंड चेक द आंसर यूजिंग एडिशन. इस क्वेश्चन में हमें सबट्रैक्ट करना है और उसके बाद अपने आंसर को चेक करना है. कैसे? बाय यूजिंग एडिशन. एडिशन के थ्रू हमें अपने आंसर को चेक करना है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इन क्वेश्चन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर ए इज 6513, दैट मीन्स 6513 माइनस 5246. इस क्वेश्चन को हमें सबट्रैक्ट करना है, उसके बाद एडिशन के थ्रू अपने आंसर को चेक करना है. ओके, नाउ 6513 5246, इसे हमें क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है. तो आइए सबट्रैक्ट करते हैं. 3 माइनस 6 ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बगल वाले से क्या करते हैं, बोरो लेते हैं. तो ये बगल वाला इसको बोरो देगा. इसके पास 1 है तो क्या हो जाएगा? 0. और इसके पास 13. नाउ 13 माइनस 6 7. अब 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? ये अपने बगल से क्या करेगा? बोरो ले लेगा. तो इसके पास 5 है तो कितना हो गया? 4. और इसके पास 0 से 10 हो गया. 10 माइनस 4 6. 4 माइनस 2 2. 6 माइनस 5 1. ओके, नाउ अब हम अपने आंसर को क्या करेंगे? चेक करेंगे. चेक कैसे करेंगे? हमारा ये जो आंसर आया है और ये नीचे वाला जिसे हमने माइनस किया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जो ये फर्स्ट वाला दिया हुआ है. ओके, सो 5246 1267, इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. नाउ 6 प्लस 7 13 3 1 कैरी. 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5. नाउ 5 प्लस 1 6. देखिए हम अपने आंसर को टैली करते हैं. 6513 6513, दैट मीन्स योर आंसर इज राइट. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस को पहले सबट्रैक्ट करना है, उसके बाद अपने आंसर को एडिशन के थ्रू चेक करना है. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरीज. यहाँ हमें एक स्टोरीज दी गई है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है. दैट मीन्स ये क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है, आपको ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर ए. मीरा वॉन्ट्स टू बाय अ वॉशिंग मशीन. मीरा एक वॉशिंग मशीन ख़रीदना चाहती है जिसकी प्राइस क्या है? 8695 रुपीज़. ओके, नाउ शी हैज सेव्ड 3273 रुपीज़. लेकिन उसने कितने पैसे सेव करके रखे? 3273 रुपीज़. हाउ मच मोर डज शी नीड. तो बताइए उसे और कितने पैसे चाहिए होंगे वॉशिंग मशीन ख़रीदने के लिए. ओके, तो पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं. तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं ए. सो मीरा के पास कितने पैसे हैं? मीरा हैज़ 8695 रुपीज़. ओके, और उसने कितने पैसे सेव करके रखे हैं? शी सेव्ड 3273 रुपीज़. ठीक है, तो उसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच मोर डज शी नीड. तो उसे और कितने पैसे चाहिए? तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो वॉशिंग मशीन की एक्चुअल प्राइस है उसमें से उसके पास जो सेव मनी है उसको क्या कर देंगे? माइनस करेंगे. सो 5 माइनस 3 2 9 माइनस 7 2 6 माइनस 2 4 एंड 8 माइनस 3 5. तो उसे और टोटल कितने पैसे चाहिए होंगे? 5422 रुपीज़. ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे शी नीड मोर. ओके, नाउ नेक्स्ट, शी हैज़ टू ऑप्शन. लेकिन उसके पास क्या है? दो ऑप्शन है, बोरो मनी फ्रॉम अ फ्रेंड एंड बाय नाउ और वर्क. ओके, तो उसके पास दो ऑप्शन है. एक, अब वो अपने फ्रेंड के साथ क्या कर सकता है? अपने फ्रेंड से उधार ले सकता है. एंड बाय नाउ और वर्क हार्डर टू सेव मनी, या तो फिर एंड बाय लेटर, या तो फिर वो अपने पैसों को कुछ और पैसे कलेक्ट कर ले उसके बाद ही वो
वॉशिंग मशीन को ख़रीदे, वॉट शुड शी डू इन योर ऑप्शन ओपिनियन। तो इसके बारे में आप अपना ओपिनियन दीजिए कि वो क्या करे, अपने फ्रेंड्स के साथ उधार ले या पैसे और पैसे जमा करे उसके बाद मशीन खरीदे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ गिव योर ओपिनियन। ओके नाउ, इसी तरह से आपके ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है जिसे आपको करना है।